भाई यहाँ पे कबाड़ी वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे आवाजें मार रहा है कबाड़ी वाले। लड़कियाँ भी काफी अच्छी हैं भाई और देख भी रही हैं। सबको पता है मुस्लिम कंट्री क्यों बनी, हालांकि यूरोप के अंदर मुस्लिम कंट्री होना बड़ा ही ऑड सी बात है कि यूरोप के अंदर सारी लगभग कंट्रीज क्रिश्चियन है। तो पीछे बैकग्राउंड में लड़कियाँ दिख रही होंगी, सबने मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं। मेरे को अब तक फिलहाल तो कोई बुरके अवाया में कोई लड़की दिखी नहीं है। मस्जिद के अंदर ऐसे अजान जरूर होगी। हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका तिराना के अंदर जो कि अल्बेनिया की कैपिटल है। फटाफट सिम ले लेते हैं अभी ना, और देखते हैं अगर पैसे चेंज कराने हैं तो पहले सिम लेते हैं। पासपोर्ट मांगेंगे आपका और कार्ड से भी पे कर सकते हो। मैं तो कार्ड से करूँगा, कैश मैं निकाला नहीं है। कैश थोड़ा बहुत निकालूंगा लेकिन लग नहीं रहा निकालने की जरूरत पड़ेगी। इससे लोकल बंदे से पूछूंगा कैश चलता है यहाँ पे या कार्ड से हर चीज़ हो जाती है। 2300 लेख ले लिए, लेख यहाँ की लोकल करेंसी से लेख है तो 22 यूरो ने बोला था मेरे को, तो लगभग लगा लो आप 100 लेख आते होंगे एक यूरो के अंदर। मैंने यहाँ बुक किया हुआ एयरबीएनबी, और किसी से भी आप पूछो ना किसी भी कंट्री में कि वहाँ मैं कैसे जाऊँ, बोलो टैक्सी। भाई छूटते टैक्सी बोलते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि टूरिस्ट है, इसको पता होगा नहीं। मैंने बोला कि टैक्सी नहीं बस बता, मैंने सिम वाले से पूछा जिससे मैंने सिम ली है, तो बस का तो मेरे को पता नहीं। तो मैंने अब गूगल पे देखा है कहीं इस तरफ पार्किंग के इस तरफ करके कहीं बता रहा है बस का ना, तो 40 मिनट लगेंगे जहाँ तक जहाँ मेरे को जाना है, जहाँ मेरा एयरबीएनबी है। और एयरबीएनबी मेरा सेंटर से लगा लो 10 या 15 मिनट वॉकिंग पे है, लेकिन वो बड़े सही प्राइस में मिल गया मेरे को। मिल गया 100 करोड़ का, 120-130 करोड़ का नहीं लगा लो, 1000 रुपये का। अपना जो इंडिया का 1 रुपया है उसके अंदर आते हैं 1.25 लाख, दैट मीन्स कि अपनी करेंसी तगड़ी है इनके से। इस तरह की गाड़ी की प्लेट है इनकी, और ईयू के अंदर नहीं आता है अल्बेनिया। किसी की नीले में है या किसी की ब्लैक में है, ये इटली की है। भाई कुछ इस तरीके के इम्प्रेशन हैं। पहले पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, काफ़ी हरे हरे से पहाड़ हैं, और गर्मी काफ़ी है, मतलब ह्यूमिडिटी सी है, चिपचिप हो रही है। और बैठ गया हूँ, 400 लेग बोल रहा है, यानी 300 रुपये लगेंगे लगभग इंडियन रुपीज़। और सेंटर पे उतार देंगे, वहाँ से उनको एक और बस चेंज करनी पड़ेगी। अगर वॉक करना चाहो तो वॉक भी कर सकता हूँ, लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉक है, तो वॉक करने लायक मौसम है नहीं। इस तरीके का घर है कुछ, इसके जस्ट मतलब लगा लो 100 कदम दूर बाहर मेन रोड है, सारे कैफेज वैफेज हैं, काफ़ी हरा भरा है। और इस तरफ ऐसे ऊपर आके है, और मेरा रूम ये वाला है, अच्छा खासा बड़ा बेड है और ये सोफ़ा लगा हुआ है। हालांकि अपने को इतना यूज़ करना नहीं होता, बस सामान रखना है, सोना है, बाकी मैं नहा धो के बाहर निकल जाऊँगा आपको शहर घुमाने के लिए। लेकिन फिर भी काफ़ी सही है, शोर शराबा नहीं होगा बाहर से, ठीक है। इस तरफ ये वार्डरोब भी है, कंबल ओढ़ने का भी है, पंखा नहीं है यहाँ पे कोई भी, यार ये दिक्कत है। कोई नहा धो के निकल गया हूँ सेंटर के लिए। प्यारी सी कैट है, कितनी छोटी सी है देखो आप। भाई यहाँ पे कबाड़ी वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे आवाजें मार रहा है कबाड़ी वाले। ये देखो वही है, देखो इंडिया हो चाहे यूरोप हो चाहे मर्जी चले जाओ, लोग वही हैं, बस ये कि रंग से और रिलीजन से अलग हो गए, लेकिन हैं तो इंसान ही ना। लैंग्वेज तो इनकी अल्बेनियन है, लेकिन सुनने में हल्की हल्की स्पेनिश लगती है, कि ये सी सी भी बोलते हैं। और मैं किसी से रास्ता पूछा था, उसने बनते तरनते किया, यानी 20-30 किया कि 20 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट का रास्ता है। और अलॉन्ग साइड द रोड ना ऐसे कैसे काफ़ी सारी दुकानें सी हैं, फ्रूट्स की मार्केट सी लगी हुई है, काफ़ी सही खुशबू आती है इनसे जो निकलते हैं ना। देखो एवोकाडो रखे हुए हैं। मैं एक कैफे में आके बैठा हूँ, कैफे तो क्या मतलब एक फूड जॉइंट सा है, यहाँ पर डोनर कबाब मिल रहे हैं अंदर, वही समझ में आया मेरे को। और एक मैंने बियर ले लिया है, चीयर्स। जिस देश में जाता हूँ वहाँ की लोकल बियर पीता हूँ, यहाँ की है। ये मंगाया, मुझे लगा रैप वैप के अंदर आएगा, लेकिन ये तो ऐसे ब्रेड के अंदर बन सा बना के दे दिया, पता नहीं क्या चीज़ है। ये बिल आया था 470 का, और इन्होंने कार्ड देने से मना कर दिया, मैंने 5 यूरो दे दिए इसको। फिर इसने मेरे को बदले में ये 30 सिक्के वापस कर दिए, 30 रुपये मतलब इनके आगे 30 लेके वापस कर दिए। देखो इस तरीके से सिक्का आता है, ये 10 का है और ये 20 का है। तो फाइनली पहुँच गए सेंटर के अंदर, और पीछे आपको मैं दिख रहा होगा मस्जिद, और सेंटर का मतलब वही होता है, तो कथी कोई या तो कोई कैथीड्रल होगा या कोई, यहाँ ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ मस्जिद है। अब मुस्लिम कंट्री की आपको ये भी मैं समझाया था, यहाँ पर 67% लगभग लोग मुस्लिम हैं और 17% लोग लगभग क्रिश्चियंस हैं। तो आपको पता है मुस्लिम कंट्री क्यों बनी, हालांकि यूरोप के अंदर मुस्लिम कंट्री होना बड़ा ही ऑड सी बात है, कि यूरोप के अंदर सारी लगभग कंट्रीज क्रिश्चियन है। लेकिन इसको जो लास्ट एम्पायर ने रूल किया था वो था ओटोमन एम्पायर, और लगभग 500 साल के रूल किया था। तो ऑब्वियसली इतना लंबा टाइम जब कोई रूल करता है तो रिलीजन भी वही हो जाता है। तो ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम थे सारे, वही जो टर्की साइड में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर, तो इसीलिए मुस्लिम कंट्री है। हालांकि लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, आप भी लड़कियां देख रहे होंगे, सबने मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं। मेरे को अब तक फिलहाल तो कोई बुरके अवाया में कोई लड़की दिखी नहीं है। हाँ, जो बड़ी बड़ी आंटीज़ हैं वो दिखी होंगी ज़रूर। और दूसरी चीज़ से ही पता लगती है कि मुस्लिम कंट्री है या नहीं है,
इनके टॉयलेट्स के अंदर ना टॉयलेट पेपर लगे हुए हैं, बिडे नहीं लगा हुआ। बिडे मतलब होता है जो अपना हैंड जेट जिसको बोलते हैं, जो सीट के नीचे जो पिचकारी होती है उसको बिडे बोलते हैं। अगर आप कभी दुबई गए हो या सऊदी गए हो ना, तो पॉट के साथ में एक अलग से छोटी सी वो बनी होती है, उसमें एक आगे टैप लगी होती है, उसको बिडे बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पर वो है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्शन होंगे जैसे कि सऊदी में है, जैसे कि अबू धाबी मतलब गल्फ के अंदर है, ऐसा कुछ है। सब मॉडर्न घूम रहे हैं यार। आपको पीछे बैकग्राउंड में लड़कियाँ दिख रही होंगी, किसी ने ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ, तो काफ़ी सही और कूल लग रहा है और सेफ सिक्योर कंट्री है। और लड़कियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं भाई, और देख भी रही हैं, तो देखते हैं कुछ बात बनेगी। तो हालांकि मैं तो टिंडर सब डाउनलोड कर लिया है, ये भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगा कि कैसे डेट करें। और यहाँ की लोकल करेंसी है लेके, और उसका भी आपको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो था मैसेडोनिया का, मैसेडोनिया में पैदा हुआ था वो, जो आज के टाइम पे अलग ही कंट्री बन गई। लेकिन पहले वो एक ही पार्ट होता था अल्बेनिया का। अल्बेनिया इतना बड़ा रीजन था कि उसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट सर्बिया का, थोड़ा बहुत पार्ट मोंटेनिग्रो का, और थोड़ा बहुत पार्ट पूरा का पूरा कोसोवो, और थोड़ा बहुत पार्ट मैसेडोनिया का। तो वो भाई उसको ओन करते हैं, वो अपना बड़े प्राउड फील करते हैं ये लोग ना, कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारे यहाँ पैदा हुआ था। तो इसीलिए इसको जब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं उसको लिखते हैं अलेक्जेंडर, तो जो एल ई के ई आता है, तो इसलिए इन्होंने करेंसी लेके बना दी इसकी, कि लेक लेके, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए। और इस पूरी स्ट्रीट के अंदर पैटियो से बने हुए हैं। पैटियो मतलब जो आपको ना कई बार बता चुके अपनी वीडियोस के अंदर, के जो बाहर इस एरिया में बैठने का बना देते हैं आप खा सकते हो। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख के पता लगा सकते हो कि भाई इतनी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को दारू पीना अलाउड नहीं है, लेकिन खुले के अंदर दारू सर्व हो रही है। नहीं तो अगर आप बाकी जगह जाओगे तो ऐसे ओपन पब्लिक में दारू सर्व नहीं हुई किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर। तो दैट मीन्स ये यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन ये कोई एज सच कोई पर्टिकुलर प्रॉपर मुस्लिम कंट्री नहीं है। लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको यूरोप ट्रिप करना है तो सीधा ना फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड की तरफ मत देखो। ये कंट्रीज़ भी हैं बाल्कन्स के अंदर, अल्बेनिया होगी, बॉस्निया होगी, हालांकि क्रोएशिया पहले थी, क्रोएशिया भी यू के अंदर आ गई है, वो भी पूरा मतलब प्रॉपर महंगी बन गई है अब कंट्री। तो पहले यहाँ से शुरू कर सकते हो यार, आप यहाँ से आओगे, इनकी स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगेगी, फिर उसके बाद आप जब इन ईयू कंट्रीज़ का वीज़ा लोगे तो वो ईजी बन जाता है, तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी। लेकिन बात करते करते हम पहुँच गए बंक आर्ट म्यूज़ियम में, भी काफ़ी फेमस चीज़ है यहाँ पर। ये आपको दिख रहा होगा, ये बंक मतलब कि बेसमेंट के अंदर एक आर्ट म्यूज़ियम है, इस तरीके से दिखता है ये। अब अंदर जाके देखते हैं। मुझे लगा टिकट नहीं है भाई, टिकट है 600 लेके की टिकट है एक बंदे की, और दो म्यूज़ियम है इसके, दोनों के लोगों तो 800 की है, वो भी कैश। मैं सोचा था, पर मैंने मन बनाया था कि चलो ठीक है दे देता हूँ, लेकिन जैसे ही काउंटर है पहुँचा लिखा है ओनली कैश। ये झंडा है कुछ अल्बेनिया का, और ये साथ में ईयू का झंडा पता नहीं क्यों लगा हुआ है। मैंने दो जगह और देखा, समझ नहीं आया मुझे, ईयू से कोई लेना देना नहीं है अल्बेनिया का दूर दूर तक भी। ये एक मीनार की मस्जिद है जो कि बड़ी ही कॉमन थी ऑटोमन एम्पायर के अंदर। और ना इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, एक चीज़ और मुझे पता लगी कि इनके यहाँ का एक रूलर था एक इनका, उसने बीच में 50 साल के लिए ना सारे मतलब एथीस्ट कंट्री बन गई थी, फर्स्ट एथीस्ट कंट्री बनी थी। सोच रहे आप कहाँ मुस्लिम और कहाँ एथीस्ट, मतलब ये नॉर्थ एंड साउथ हैं दोनों चीज़ें, लेकिन फर्स्ट एथीस्ट कंट्री बनी थी ये, क्योंकि वो जो उनका जो रूलर था उसने देखा था कि सब लोग बटे हुए हैं, कि इस्लाम में शिया सुन्नी हो गए, क्रिश्चियनिटी के अंदर ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंट्स हो गए। तो उसने क्या किया, 50 साल के लिए लगभग उसने सारे जो मस्जिद से, सारे जो चर्च से सब तुड़वा दिए, आग लगा दी, जला दिए, कि लोग प्रैक्टिस ना कर पाए रिलीजन, अपने घर के प्राइवेट स्पेस में जो मर्जी करें वो, लेकिन पब्लिकली ना प्रीच कर पाएँ, पब्लिकली ना अपना प्रैक्टिस कर पाएँ धर्म, ताकि लोग डिवाइडेड ना हो और एक एज अ यूनिटी, एक कंट्री यूनाइट होके लड़ सके। और आप लोगों से बात करते करते मैं आ गया स्कैंडनबर्ग स्क्वायर के अंदर, काफ़ी बड़ा मैदान सा है पूरा, यहाँ बैट बॉल खेलने का मज़ा आ जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे को ये खुला रहे देखते बैट बॉल क्यों आता है, बचपन में ना इतने तरसे हम खेलने के लिए, छोटे छोटे प्लॉट्स में खेलते थे कि हल्का सा शॉट मारा तो किसी आंटी के घर बॉल चली गई, शीशा टूट गया किसी का, मांग के लाओ फिर नई बॉल लाओ, आंटी चढ़ जाती देती नहीं थी, कुछ खूसट अंकल होते थे वो भी नहीं देते थे। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं बॉल आपकी जाएगी, यहाँ हालांकि खेलना मना होगा ऑब्वियसली, लेकिन काफ़ी सही लग रहा है यहाँ। इस तरफ ये आई लव तिराना का साइन बना हुआ है, ये नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, काफ़ी काफ़ी मॉडर्न बन रहे हैं ये, ऑब्वियसली महंगे भी होंगे। ये झंडा देखो, मैं झंडा बता रहा था, ये झंडा है इनका भाई, और ये दो मुंह वाला ईगल है, वो कहाँ से ईगल लग रहा है मेरे को अभी ये बताओ देख के आप लोग ना, ये चपटी छिपकली लग रहा है मेरे को तो ना, कि ऐसे छिपकली के किसी ने चप्पल मार दी हो और उसके पैर खुल गए हों, तो नहीं ईगल कहाँ से लग रहा है मेरे को भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन लग ही रहा मेरे को ईगल। ये काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई है उस तरफ, देख रहे हो आप
कैसी शेप की बनी हुई है। इस तरफ एक ये बन रही है आड़ी टेढ़ी, ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है इतना बड़ा, ये बन रही है गोल में, यहाँ आपको दिखाई चुका हूँ मैं, काफ़ी काफ़ी कुछ बन रहा है। और मेरे को तो मानना पड़ता आप लगते हैं जैसे कि मेरे को घोड़े पे बैठा दिखता ना किसी भी कंट्री में। हालांकि भाई काफ़ी मैसिव है, काफ़ी मैसिव है, देख रहे हो स्केल के लिए देखो ये बेंच रखा हुआ है यहाँ पर, और ये देखो मस्जिद के अंदर ऐसे अजान ज़रूर होगी क्योंकि बाकी किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं होते, तो ये कुछ अलग आप यूरोप में आके फील कर सकते हो। देखिए सुपरमार्केट है यहाँ से, छोटा मोटा खाने का भी ले लेते हैं और इसी बहाने महंगाई भी पता लग जाएगी किस तरीके की है, क्या रेट है आटे दाल का। चेरी सी बड़ी मिल रही है यहाँ पे ना, जैसे ये आधे किलो का पैकेट है, ये 300 लेके का है 570 ग्राम। ये मार्केट में बाहर रोड साइड जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ मिल रहा था 350 का एक किलो, भाई रेड लेबल है 3290 की। भाई हैनिकेन के 3 पॉइंट मिल रहे हैं 650 लेके के, 500 कुछ रुपए के 3, ये भी महंगे हैं इंडिया के हिसाब से। जो बियर मैंने तो सबसे सस्ती देखी है मैंने यूके के अंदर देखी है, उससे सस्ती कहीं नहीं देखी, इंडिया में भी नहीं देखी एक्चुअल में। भाई ये चिप्स देखो 200 रुपए के हैं, और उस तरफ जो लेज रखे हैं ये वाले, ये हैं 50 रुपए का पैकेट, ये छोटा सा पैकेट जो अपने वहाँ शायद 20 का है 15 का मिलता है। भाई ये सब सामान लिया है सारा, यहाँ पे चर्च भी है एक, और इसमें जो आपको ये दिख रही है स्टैचू, ये मदर टेरेसा का है, ये भी मैसिडोनिया में पैदा हुई थी, जो पहले आपको बताया था मैं, जहाँ अलेक्जेंडर पैदा हुआ था, जो कि पहले किसी टाइम में अल्बेनिया था। अभी जा रहा हूँ मैं आपको लेके एक पिरामिड ऑफ तिराना करके है, गीजा के पिरामिड तो देखे नहीं है, तो यही देख लेते हैं, आपको भी दिखाता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा क्यों पिरामिड है, ये सीढ़ियाँ जाके ऊपर जा रही हैं, थोड़ी सी हाइट पे से एक वेंटेज पॉइंट मिल जाएगा देखने का सिटी को। और इस तरीके से ना अलग अलग साइड से सीढ़ियाँ आती हैं, एक ये आ रही है, ये आ रही है, मैं बीच वाली से आया हूँ, तो कहीं से भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन व्यू थोड़ा सही है, अच्छा है। ये देखो अभी पीछे आपको जो पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं दजाती या दहाती या दयाती, पता नहीं अब, लेकिन लिखते DJATI हैं। बस से आ गया था मैं यहाँ पे ना, मैं क्या पैदल पैदल पैर तोड़ूंगा, मैं 16 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ आज के अंदर। ये बस बगल में ही है घर के मेरे, ये रेस्टोरेंट है, उस तरफ जाके एयरबेन भी अपना 3-4 मिनट की दूरी पे होगा। ये यहाँ पर आ गया, बस में टिकट लगते 40 लेके की, उसने मेरे से मांगी नहीं, वो आया था ऐसे सिक्के बजाते हुए, मैंने उससे जगह दिखे मेरे को यहाँ उतरना है, उसको समझ नहीं आया, बोला हाँ ठीक है ठीक है, मैंने भी नहीं दिया, मैं ठीक है जब बच रहे हैं तो बचा लो, हालाँकि 40 लेके मतलब लगा लो मोटा मोटा आपके 30 रुपए हो गए यार। भाई मैंने इससे पूछ लिया कि आप अपनी खुद की बियर में पी लूँ क्या, बोला हाँ ठीक है पी लो कोई दिक्कत नहीं है, तो गिलास पानी का भी ले आया था, एक नया गिलास लाने गया है, तो मैंने उसको ब्रेड मांगी थी, तो ब्रेड के नाम पे असली वाली ब्रेड ले आया ये मेरे को लगा जैसे भाई रोटी को ब्रेड बोलते हैं ना, तो यहाँ की लोकल रोटी लेके आएगा, लेकिन एक्चुअली ब्रेड लेके आ गया। मैं रिजोटो आ गया, थोड़ा चिकन सा आ गया सलाद के साथ, और ये राइस आ गए हैं, बढ़िया काम हो जाएगा खाने का। ये अपनी बियर रेडी है, तिराना के अंदर बैठ के तिराना की बियर पी रहे हैं भाई। बिल आया है 350 लेके का, और लेकिन मेरे पास कार्ड है, कैश है नहीं है, तो यूरो पड़े हुए थे मेरे पास 30-10, तो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ये 20 बचे हैं, अभी देखते हैं कितने लेगा अभी 350 लेके के, लेने तो चाहिए 3.5 यूरो इसको, 3.5 यूरो 10 यूरो दिए थे मैंने उसको, उसके बदले में उसने अपने 3.5 यूरो काट लिए, एक ये 500 का नोट दे दिया, और एक ये 100 का सिक्का दे दिया, और एक 50 का दे दिया। देख रहे हो उनके पास सिक्के मजबूत हैं इनके यहाँ के ना, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन है, 100 की 50 की, लेकिन हाँ एक्चुअल में 1 यूरो 122 लेके के बराबर है, तो इसने मेरे को लगभग 7 यूरो यानी 140 लेके का इसने चूना लगा दिया। लेकिन ठीक है भाई, आपको मैं हमेशा बताता हूँ, लोकल करेंसी लेके हमेशा चलोगे फ़ायदे में लोगे, मैं इतने दिन यहाँ रुक नहीं रहा हूँ, एक दो दिन और हूँ, और कोई मेरे को ATM दिखा भी नहीं, इसलिए मैंने आलस के अंदर ना मैंने पैसे निकाले नहीं है, हालांकि निकालने चाहिए थे मेरे को। आज की वीडियो में इतना ही था, लेकिन हाँ एक चीज़ और, टिंडर पे 2-3 मैच भी आ गए हैं, उनकी भी कहानी कल की वीडियो में बताऊंगा क्या सीन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, और कल जाएंगे यहाँ का जो माउंटेन है दाती दाती करके जो बताया था मैंने आपको उस पर। जब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार।